Hello students, today we will study the second lesson of our mathematics book, Expanded Form of Numbers. Expanded form का मतलब होता है फैला कर लिखना, तो हम numbers को कैसे expand करके फैला कर लिख सकते हैं ये हम जानेंगे. Students, you must understand that every number is concept and unique in itself and as it has a fixed value. हर number की अपनी एक fixed value होती है, मतलब किसी भी नंबर की जो डिजिट होती है उस डिजिट की अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है. लेट अस अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड ईच डिजिट इन द नंबर एंड इट्स प्लेस वैल्यू. इस लेसन में हम समझेंगे कि किसी भी नंबर की जो डिजिट होती है हर डिजिट की प्लेस वैल्यू हम कैसे जान सकते हैं, उसका लॉजिक हम समझेंगे. इफ वी चेंज द प्लेस ऑफ एनी डिजिट इन द नंबर देन द वैल्यू ऑफ दैट नंबर विल बी चेंज्ड. अगर हम किसी भी नंबर की डिजिट्स को इधर से उधर कर देंगे तो उस नंबर की वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी. तो सबसे पहले है वन, तो यहां पर हमें दिख रहा है कि सिर्फ वन नंबर है, तो इस प्लेस पर इसकी वैल्यू हो जाएगी यूनिट, इकाई. जो भी वन डिजिट का नंबर रहेगा उसकी यूनिट, उसकी वैल्यू हो जाएगी यूनिट. अगर जैसे यहां पर हमें 10 डॉट्स दिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू हो गई 10 यूनिट, तो 10 इकाई. यानी कि यहां पर हमें दो डिजिट्स दिख रही हैं, 1, 10, 1 और 0. तो हम हमेशा पीछे की तरफ से गिनना शुरू करते हैं जब भी प्लेस वैल्यू को गिनते हैं. तो सबसे पहले हम 0 की वैल्यू दिखेंगे, तो 0 की वैल्यू क्या होती है, इकाई यानी कि यूनिट. और फिर 1 की वैल्यू क्या होती है, दहाई यानी कि टेंस, तो यूनिट और टेंस, तो इसे हम बोलते हैं 1 टेंस. ठीक है, 10 को हम बोलते हैं 1 टेंस. फिर इसके बाद अगर हम 10 टेंस मिला दें, यानी कि हम यहां पर 10 है, इन सब में 10 10 डिजिट्स दी हुई हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100. तो अगर हम 10 टेंस मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, 100, यानी कि एक सैकड़ा या फिर 100. ओके, तो ये हो गई हमारी यूनिट प्लेस जिसमें एक डिजिट आती है, टेंस प्लेस यानी कि जिसमें दो डिजिट्स आती हैं, और हंड्रेड्स प्लेस यानी कि जिसमें तीन डिजिट्स आती हैं. तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स. नाउ लेट अस सी द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स. किसी भी नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहां पर हमें पिक्टोरियल फॉर्म दिया गया है, पिक्चर के फॉर्म में वो नंबर दिया गया है, डॉट्स के फॉर्म में वो नंबर दिया गया है. ये नंबर लिखा है और ये उस नंबर का यूनिट्स और टेंस है. ओके, तो यहां पिक्टोरियल फॉर्म देखेंगे तो यहां पर कितने डॉट्स हैं, आप काउंट करेंगे तो 10 डॉट्स हैं और ये हैं 6 डॉट्स. तो 10 और 6, 10 प्लस 6, तो नंबर बन गया 16. और उसकी यूनिट्स और टेंस हम कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमने सीखा है कि हम हमेशा अपने पीछे की साइड से यानी कि राइट हैंड साइड से गिनना शुरू करते हैं. तो 1 टेंस, ओके, इकाई, दहाई. तो हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 टेंस, क्योंकि यहां पर 1 लिखा है टेंस की जगह पर, तो 1 टेंस, और यूनिट्स की जगह पर 6 लिखा है तो 6 यूनिट्स, 1 टेंस एंड 6 यूनिट्स, 1 दहाई और 6 इकाई. सिमिलरली हम देखेंगे यहां पर 10 डॉट्स हैं और यहां पर 8 डॉट्स हैं, तो 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18. इसको हम यूनिट्स और टेंस में कैसे लिखेंगे, यहां पर भी यूनिट्स के टेंस की जगह पर 1 लिखा है, तो 1 टेंस, और यूनिट्स की जगह लिखा है 8, तो 8 यूनिट्स, 1 दहाई और 1 इकाई. अब हम एक दूसरा नंबर लेते हैं, यहाँ 10, 10, 10, तो 10, 20 और 30, 30 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 34. तो इसे हम यूनिट्स और टेंस में कैसे लिखेंगे, 3 टेंस, क्योंकि टेंस की जगह पर 3 नंबर है, तो 3 टेंस, और वंस की जगह पर, यूनिट्स की जगह पर 4 है, तो 4 यूनिट्स, तो 3 टेंस एंड 4 यूनिट्स, 3 दहाई और 4 इकाई, इसे हम इस तरह से लिखेंगे. नेक्स्ट नंबर 10, 20, 30, 40, 50, 50 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 57. 57 को हम कैसे लिखेंगे, टेंस की प्लेस पर कौन सा नंबर आ रहा है, 5, तो 5 टेंस, और वंस की जगह पर या फिर यूनिट्स की जगह पर कौन सा नंबर आ रहा है, 7, तो 7 यूनिट्स, 5 टेंस एंड 7 यूनिट्स, 5 दहाई और 7 इकाई, इसे हम ऐसे लिखेंगे. अब हम हंड्रेड्स की प्लेस में आते हैं, तो ये 100 है,
100, 10, 20 और 4, तो 124. इसे हम कैसे लिखेंगे? हंड्रेड्स की जगह पर 1 है तो 100, टेंस की जगह पर 2 है तो 2 टेंस, और यूनिट्स की जगह पर 4 है तो 4 यूनिट्स. एक सैकड़ा, दो दहाई और 4 इकाई, 100, 2 टेंस एंड 4 यूनिट्स. इस तरह से हमको देखना है कि कौन से वैल्यू पर कौन सा नंबर रखा हुआ है. यहाँ पर हमें दिख रहा है 100, 10, 20, 30 और ये 7, 137. तो इसे हम कैसे लिखेंगे? हंड्रेड्स की जगह पर 1 है तो फिर से 100 आ जाएगा, टेंस की जगह पर 3 है तो 3 टेंस, और यूनिट्स की जगह पर 7 है तो 7 यूनिट्स. 100, 3 टेंस एंड 7 यूनिट्स. एक सैकड़ा, 3 दहाई और 7 इकाई, इसे हम इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं.